दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी एक एंथर की डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, एंथर का सेक्शन व्यू हमने देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि इसके पास चार लोब्स होते हैं, जिन्हें हमने क्या बोला था, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरह से वन लोब इज दिस एंड अनदर लोब इज दिस, बाई लोब स्ट्रक्चर। एंड जिसके पास क्या होते हैं, एक लोब के अंदर दो थीका बने होते हैं, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस। बेसिकली हमने देखा था स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में, हमारे जो थीका है इसके अंदर क्या होता है, हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू फिल होता है। स्पोरोजीनस टिश्यू से डिवीजन के बाद अल्टीमेटली क्या बनता है, पोलन ग्रेन। तो आज हम स्पेशली पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट देखेंगे कि कैसे होती है। तो फर्स्टली स्पोरोजीनस टिश्यू के बाद, स्पोरोजीनस टिश्यू में डिवीजन होने के बाद हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो मान लीजिए हमने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ली है, ये इसका न्यूक्लियस, हमने इसको क्या बोला, माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC, जिसका प्लॉइडी लेवल क्या है हमारा 2N। हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है हमारा, मियोसिस वन। वन होने के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन जाता है, टू सेल्स, देन हमारा होगा मियोसिस टू। सेकेंड के बाद एक क्या बना लेते हैं, फोर सेल्स, जो कि किससे अटैच रहते हैं, हमारे कैलोज से, जो कि किससे अटैच होते हैं, ये फोर स्ट्रक्चर बनती है, हम इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड जो है ये क्या बनाता है हमारा, अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर टेट्राड में से हर एक सेल क्या फॉर्म कर लेती है, पोलन ग्रेन। अब एक डिटेल पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखते हैं। माइक्रोस्पोर बने हमारे पास, माइक्रोस्पोर्स क्या है ये, एक माइक्रोस्पोर हमने लिया है। माइक्रोस्पोर सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर। इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है वैक्यूलाइजेशन, यानी कि वैक्यूल फॉर्म हो जाती है। अब वैक्यूल फॉर्म होने के बाद क्या होता है, वैक्यूल फॉर्म होने के बाद ये न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाता है साइड में और एक लार्ज वैक्यूल फॉर्म हो जाती है हमारी सेल के अंदर, न्यूक्लियस पुश टू पेरिफ्री फॉर्म। देन हमारा ये डिवाइड हो जाता है टू अनइक्वल सेल्स में लाइक दिस। हमारी जो नीचे सेल्स बनती है, लोअर साइड, वो छोटी होती है एंड अपर साइड जो सेल होती है हमारी लार्ज होती है। अपर साइड वाली सेल्स जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। एंड जो हमारी लोअर सेल फॉर्म हुई है इसको बोलते हैं हम जनरेटिव सेल या जर्म सेल। अगर हम प्लॉइडी लेवल की बात करें तो ये मियोस आफ्टर माइक्रोस्पोर हमारा कैसे बना है, आफ्टर मियोसिस। तो इसका प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा हमारे पास, एन। एंड अगेन इन सेल्स का प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा, एन। जो हमारी वेजिटेटिव सेल है इसके पास क्या होता है, मोर साइटोप्लाज्म फूड। एंड ये किस में हेल्प करेगी, ये करेगी पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प, यानी कि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाएगी क्या, हमारी वेजिटेटिव सेल। एंड जो हमारी जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल किस में हेल्प करेगी, फर्स्टली ये होती है हमारी क्या, स्मॉल होती है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल एंड फॉर्म टू मेल गैमीट्स। फॉर्म ये हमारा क्या फॉर्म हुआ है, हमारा फॉर्म हुआ है पोलन ग्रेन मेल गैमीट। पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमीट एट टू सेल स्टेज। कौन सी स्टेज है ये, टू सेल स्टेज। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, हम स्पेशल पोलन ग्रेन की बात करने वाले हैं, जो सेल की कवर्स करने वाली इसकी लेयर्स हैं वो क्या है, स्पोरो डर्म। सेल्स को कवर करने वाली लेयर्स पोलन ग्रेन की स्पोरोडर्म। अब ये स्पोरोडर्म टू टाइप्स की होती है, एक हमारी होती है एक्साइन और एक होती है हमारी इंटाइन। पर ये हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है इस तरीके से। तो जो हमारी आउटर लेयर है दिस इज कॉल्ड एक्साइन एंड जो हमारी इनर लेयर बनी हुई है, जो हमारी इनर लेयर है पोलन ग्रेन की दिस इज कॉल्ड इंटाइन। हमारी एक्साइन होती है, एक्साइन किसकी बनी होती है, एक्साइन बनी है हमारी स्पोरो पोलेनिन की।
ये क्या है? रेजिस्टेंट मटेरियल है, हार्ड है, रेजिस्टेंट हार्ड। एंड यही क्या देता है? अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स को एक फैसिनेटिंग डिजाइन देता है, फैसिनेटिंग पैटर्न देता है। और जो हमारी इंटाइन है, इनर लेयर, इंटाइन कैसी होती है? हमारी कॉन्टिन्यूअस होती है। और जहां से एक्सटेंशन निकलती है, एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन फॉर्म्स पोलन ट्यूब। जो हमारी एक्साइन है, ये किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन, जो कि रेजिस्टेंट मटेरियल है और बहुत ही हार्ड है। इसी हमारी जो एक्साइन है, ये कई जगह पर क्या होती है? इस तरीके से एब्सेंट होती है, कई जगह से क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर। और जो हमारी इंटाइन है, इसको क्या बोला जाता है? हमारी कॉन्टिन्यूअस लेयर। क्योंकि जो इंटाइन है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये कहीं से एब्सेंट हो, जैसा कि हमारी एक्साइन है कहीं कहीं जगह से एब्सेंट। तो इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। और एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन फॉर्म्स पोलन ट्यूब, जिस जगह से जो हमारी एक्साइन है वो नहीं होती या एब्सेंट होती है, उस जगह से जो हमारी इंटाइन है वो अपनी एक्सटेंशन रिलीज करती है, एक्सटेंशन निकालती है, और उसी से क्या फॉर्म होती है? उसी से हमारी पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, जो आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करती है, जो कि हमारी। तो जहां से हमारी एक्साइन एब्सेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? जम पोर। यहां पे क्या होती है? स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है। जम पोर पे स्पोरोपोलेनिन क्या होती है? एब्सेंट। और यहां से क्या होता है? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलन ग्रेन और मेल गैमेट। हमने आज क्या देखा कि जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है, हमारे एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर, जो हमारे एक हर थीका के अंदर क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड करके क्या फॉर्म करता है? सब पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होती है मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। उसके बाद बनती है चार सेल, जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, और जो कि ज्वाइन होती है एक दूसरे से किससे? कैलोज के थ्रू, ये आपस में कनेक्ट होती है। अब जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये हर एक सेल किस में फॉर्म होती है? पोलन ग्रेन में फॉर्म होती है। अब जैसे कि माइक्रोस्पोर में सबसे पहले क्या होता है? वैक्यूलाइजेशन, और एक वैक्यूल फॉर्म होती है। उसका जो हमारा माइक्रोस्पोर है, ये टू सेल्स में डिवाइड हो जाता है। वन इज वेजिटेटिव सेल एंड अनदर इज जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या है? लार्ज है, रिजर्व फूड है इसके पास, पोलन ट्यूब यहीं से अराइज होती है, फॉर्मेशन में हेल्प करती है पोलन ट्यूब की, और मोर साइटोप्लाज्म। जनरेटिव सेल हमारे पास स्मॉल है और फॉर्म टू मेल गैमिट्स। ये क्या बनाती है? टू मेल गैमिट्स। तो पोलन ग्रेन हमारा क्या हो गया? मेल गैमिट। और ये क्या है? टू सेल स्टेज। अब जो हमारा पोलन ग्रेन है, इसके हम लेयर्स की बात करते हैं, तो आउटर लेयर जिसे हमने एक्साइन कहा, और अंदर वाली लेयर इनर लेयर जिसे हमने इंटाइन कहा। एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की, जो कि बहुत ही रेजिस्टेंट है, यानी कि हर चीज को ये अपोज कर सकता है, और बहुत ही क्या है? हार्ड है। और इसी की वजह से फैसिनेटिंग पैटर्न होते हैं हर एक स्पीशीज, हर एक प्लांट स्पीशी के पोलन ग्रेन्स के। अब जो ये इंटाइन लेयर है, ये कैसी है? कॉन्टिन्यूअस, और एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन फॉर्म पोलन ट्यूब। हमारी एक्साइन है, कई जगह से क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसको क्या बोलते हैं हम? जम पोर। जहां से हमारी एक्साइन एब्सेंट होती है, उस पोर्शन को हमने क्या बोला है? जम पोर। जम पोर पे का क्या होता है? जम पोर पे होता है स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट। जो हमारी एक्साइन है किसकी बनी है? स्पोरोपोलेनिन की। लेकिन कई जगह क्या होता है कि स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट हो जाती है, उसी को क्या बोला है? जम पोर। पोलन ट्यूब पास थ्रू इट, और इस जगह से क्या होता है? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट।